पिछले समय हमने 2 पावर की इक्वेशन लेकर रूट्स मूल अंग्रेजी का अदर वर्ड जीरोज शून्य के बारे में कार्य किया था। आज हम आपको 3 पावर वाली इक्वेशन के शून्य बनाएंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग देखेगा, ये एक्स क्यूब है, ये -2x² है, ये -x है, ये +2=0। तो यहां बड़ी पावर क्या है? 3 है। मान लीजिए इसको समीकरण को 1 नंबर दे डालता हूं, तो क्योंकि पावर इसकी 3 है, इसकी पावर कितनी है? 3 है, तो इसके मूलों की संख्या भी कितनी होगी? 3। इसके मूलों की संख्या भी 3 होगी, रूट्स की संख्या 3 होगी, जीरोज की संख्या 3 होगी। तो अपन ने लिखा, लेट माना अल्फा बीटा गामा बी 3 रूट्स आर जीरोज ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या लिखा मैंने? कितनी पावर है? 3 पावर है। 3 पावर है तो मूलों की संख्या भी कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 पावर है, 3 जड़े होना चाहिए। 3 जड़, पहली जड़ अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। यहां मैंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं कि माना अल्फा बीटा गामा समीकरण नंबर 1 के आपके 3 मूल अथवा कहेंगे 3 शून्यक हैं। ये हिंदी अनुवाद किया। अब हम शून्य है रूट से ये समझना चाहते हैं, तो हमने इक्वेशन लिखी x³ -2x² -x+2=0। अब x³ के पास में नियरेस्ट मैंने x लिख दिया, मतलब मैंने यह टर्म लिख दी और यह टर्म लिख दी, 2 टर्म मैंने यहां पर लिख दी। अब रिमाइंडर 2 टर्म बची, तो रिमाइंडर 2 टर्म कौन सी बची? मान लो इस पे मैं गोला लगा देता हूं या कोई विशेष आकृति बना देता हूं, तो ये 2 टर्म बच गई है। अब ये 2 टर्म क्या बची है? रिमाइंडर टर्म 2x² है और +2 है और =0 है। अब इस वाले भाग में आप देख रहे हैं, वी सी दैट क्लियरली कि एक्स इज कॉमन, तो आपके 1 पावर कॉमन हुई तो आपका डिक्रीज हो जाएगी, 2 बचेगी और एक्स की पावर 1 आपने निकाल ली तो 1 मतलब एक्स की पावर 0 बचेगा, जिसे 1 कहते हैं। अब ये जो सेकेंड वाला भाग है जो मैं इस निशान द्वारा व्यक्त कर रहा हूं, तो इसमें से -2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो यह x² पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर -1 हो जाएगा, कारण कि -2 का वापस गुणा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2x² हो जाएगा, और -2 का -1 में गुणा करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +1 +2 हो जाएगा और =0। अब हमने एक बात यहां पर देख रहे हैं कि यह हिस्सा आपका बोथ में है, मतलब कॉमन है, तो कॉमन हिस्सा मैं बाहर निकालना चाहता हूं, तो वो क्या बोलोगे कि सर कॉमन क्या है? तो आप सब ही
एक साथ बोलोगे सर दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है। तो बचेगा यहां पर रिमाइंडर संख्या क्या बची, एक एक्स बची लिख दी, एक माइनस दो बची हमने लिख दिया और यह जीरो आपका पहले से ही है। अब कक्षा आठवीं का एक फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहां पर मैं अगली स्टेप में इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का वर्ग लिख सकता हूं और अगला एक्स माइनस टू तो आपका है ही पहले से, तो यहां पर एक्स बराबर क्या हो रहा है, यहां पर एक्स मतलब ए बराबर एक्स हो रहा है और बी बराबर आप कहेंगे वन हो रहा है। तब इसके दो फैक्टर क्या हुए, एक्स ए माइनस बी लिखा है तो एक्स माइनस वन, अदर फैक्टर क्या हुआ एक्स प्लस वन और फिर नेक्स्ट क्या है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हमने अब तीन मान मान लीजिए, इफ एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर वन, फिर दूसरा एंड सेकेंड फैक्टर एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तीसरा एंड थर्ड फैक्टर एक्स माइनस टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर दो हुआ। तो यहां पर तीन मूल जो मैं दक्षिण तरफ लिखने जा रहा हूं, तीन रूट्स मुझे प्राप्त हुए हैं, तीन मूल मुझे प्राप्त हुए हैं। तीन मूल कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, एक वन हुआ है, एक माइनस वन हुआ है और एक टू हुआ है। तो हम इन्हें कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले आपको लिखना है माइनस वन तो आप अल्फा बराबर लिख सकते हैं माइनस वन, इसके बाद उससे बड़ी संख्या है तो आप देख रहे हैं कि वन है, ये माइनस वन हमने लिख लिया है, ये प्लस वन लिख लिया है तो गामा क्या बचा है टू। तो इनको अल्फा बराबर माइनस वन, बीटा बराबर वन और गामा बराबर टू हमें प्राप्त हुए। इन तीनों को क्या कहते हैं हम, मूल मूल मूल, रूट्स रूट्स रूट्स, अदरवाइज जीरोज जीरोज जीरोज, जीरो नहीं बोलना है जीरोज बोलना है, जेड ई आर ओ एस, शून्य नहीं बोलेंगे शून्यक बोलेंगे शून्यक रूट्स। क्या इन्हें शून्यक हम कह सकते हैं, देखिए इसकी पावर कितनी थी थ्री थी, तो कितनी जड़ें पैदा हुई, पहली जड़ दूसरी जड़ तीसरी जड़, जड़ का अर्थ रूट 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 रूट, जड़ को एक भाषा में हम मूल भी बोलते हैं, मूल का अर्थ भी जड़ ही होता है, मूल मूल मूल, तीन मूल प्राप्त हुए। अगली भाषा क्या है, शून्यक शून्यक शून्यक, अंग्रेजी में कहते हैं जीरोज जीरोज जीरोज। तो यहां पर आपको तीन जीरो प्राप्त हुए हैं माइनस वन बीटा टू, इन्हें जीरो क्यों कहते हैं आइए अब इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं, ये जीरो क्यों कहलाते हैं। इन्हें मूल तो आपने समझ लिया, पर जीरो पिछले उदाहरण में हमने समझा था कि इन्हें जीरो भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको नंबर एक दे देते हैं और पुट लिख देते हैं कि x बराबर अल्फा इन वन वन में, समीकरण नंबर एक में हम क्या रखना चाहते हैं x बराबर अल्फा, तो आप क्या देखेंगे अल्फा क्यूब हो गया माइनस टू अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस का अल्फा हो गया प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो हो गया।
पर अल्फा का मान यहाँ क्या है? तो अल्फा का मान आप देख रहे हैं यहां पर ऋण एक है, तो अल्फा बराबर क्या है? माइनस वन है, यह अल्फा बराबर माइनस वन है। तो अल्फा की जगह हमने माइनस वन का क्यूब लिखा, माइनस टू अल्फा की जगह माइनस वन का वर्ग लिखा, माइनस अल्फा की जगह माइनस वन लिखा, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन का क्यूब क्या देता है? क्योंकि विषम ऑड पावर है तो ऋण चिन्ह देगा वन, इवन पावर है तो धन चिन्ह देगा। ये माइनस दो और यहाँ प्लस का वन दिया, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस का वन हो गया और प्लस का आपने देखा है टू है, तो यहाँ पर माइनस वन है, ये माइनस का टू गुणित वन वन है, प्लस का वन है, प्लस का टू है। आपने देखा ये माइनस तीन आया, प्लस तीन आया, इक्वल टू जीरो, तो जीरो बराबर जीरो, इसीलिए इसको हम शून्यक कहते हैं। अगर आपको अगला मान रखना है बीटा बराबर वन, तो एक्स की जगह सबसे पहले बीटा रखिए, बीटा रखने का बीटा के बाद वन रखिए, तब भी जीरो बराबर जीरो आएगा। और आपको चेक करना है कि ग्यामा इसका शून्य है कि नहीं, तो आप एक्स की जगह ग्यामा रखिए और ग्यामा रखने के पश्चात आप दो रखिए, तो इन्हें दूसरे नाम क्या कहा जाता है? जीरोस, Zeros, शून्य भी कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल भी दबावे। हम पुनः नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। मैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये कार्य को समझा रहा हूं। धन्यवाद।